हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम मार प्रेड, आप देख रहे हो हिंदी वीडियो। और मेरे पास है दोस्तों रेडमी 4A। रेडमी 4A के अंदर हमने गूगल कैमरा 7.0 को इंस्टॉल किया है। और आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको गूगल कैमरा 7.0 का मॉड APK शेयर करने वाला हूँ। जो गूगल कैमरा 7.0 है दोस्तों, वर्जन 2 आपको मिलेगा। सो इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिए, उसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बेल आइकन को जरूर से दबाइए। सो आपको मैं यहाँ पर GCam 7.0 को पहली दफा ओपन करके दिखाता हूँ। सो GCam 7.0 कुछ इस तरह से आपको मिलता है। और यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी चीज़ है जो अभी के लिए काम नहीं कर रहा है, क्योंकि दोस्तों ये अल्फा बिल्ड है और एक्चुअली ऑफिशियल भी नहीं है, लीक हो गया है। सो जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर वर्सन है 7.0। पर एक चीज़ है दोस्तों, ये जो APK आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये पिक्सल 4 से डायरेक्टली लिया गया है। यहाँ पर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है। सो पर नॉर्मली जितने भी डिवाइस है दोस्तों, सभी डिवाइस के अंदर दोस्तों ये जो APK काम नहीं कर रहा है। सो इसके लिए आपको मैजिक्स के मॉड्यूल को इंस्टॉल करके फ्लैश करना होगा। किस तरह से करना होगा दोस्तों, उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, उस वीडियो को देख लो। तो दोस्तों आप इस पर्टिकुलर APK को इंस्टॉल करके उसके बाद मैजिक्स के मॉड्यूल के साथ इस APK को यूज़ कर सकते हो। पर अगर आप उस तरह की झंझट नहीं करना चाहते हो, अगर आपका फ़ोन के अंदर आप रूट नहीं करना चाहते हो, मैजिक्स के मैनेजर को इंस्टॉल नहीं करना चाहते हो, तो दोस्तों आप इस मेथड को फॉलो कीजिए। सो सिंपली आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 APK को लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, दोनों ही APK को डाउनलोड करके देख लीजिए। सो सिंपली आपके पास जो 7.0 का APK है उसे फास्ट अनइंस्टॉल कर देते हैं, जो ओरिजिनल APK है। ये जो दोस्तों APK है दोस्तों, ओरिजिनल APK है पिक्सल 4 का। सो इसे पहले हम अनइंस्टॉल करते हैं। अनइंस्टॉल हो गया, उसके बाद हम चलते हैं फाइल्स के अंदर। जो हमारा मोडेड GCam 7.0 का APK है उसे हमको इंस्टॉल कर लेना होगा। ये दोस्तों मोस्टली जितने भी रिसेंटली लॉन्च हुआ स्नैपड्रैगन का डिवाइस है उसके अंदर काम कर जाएगा। इवन 3-4 पुराना फोन जैसे कि Redmi 4 है इसके अंदर भी काम कर रहा है। सो सिंपली यहाँ पर आपको मैं 2 APK प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर 1 APK काम नहीं कर रहा है तो 2nd APK को ट्राई करो। जैसे कि मेरे केस के अंदर 1 APK काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैं 2nd APK को ट्राई कर रहा हूँ। सो पहले इस छोटा वाला APK को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं सॉरी। सो इंस्टॉल में टाइप करते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। सो इस पर्टिकुलर APK को आपके डिवाइस पर काम करने के लिए कोई भी रूट एक्सेस जरूरत नहीं है, कोई भी मैजिक्स के मॉड्यूल की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपके डिवाइस के ऊपर कैमरा 2 APK एनेबल होना चाहिए और किसी भी डिवाइस पर काम करेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता आपके पास पिक्सल डिवाइस है और पोको डिवाइस है, कोई भी डिवाइस है। सिर्फ आपके पास कैमरा 2 APK एनेबल होना चाहिए आपके डिवाइस के ऊपर, और ये जो APK है आपके डिवाइस के ऊपर काम करना शुरू कर देगा। सो इस तरह हो चुका है, ओपन कर लेते हैं। फाइल जब आपको अलाउ कर देना होगा परमिशन को, उसके बाद बूम दोस्तों, और ये आपको मिल गया आपका GCam 7.0। सो ये जो APK दोस्तों, APK थोड़ा सा डिफरेंट है जो ओरिजिनल पिक्सल 4 का APK है, क्योंकि दोस्तों ये मोड APK आपको मिलता है, जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर। और आपको मैं अबाउट में जाके भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर चलते हैं सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स आपको ऊपर से यहाँ पर ही मिल जाता है। सो सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पर देखा था अबाउट मॉडिफिकेशन। सो जैसे देख पा रहे हो ये दोस्तों मॉडिफाई APK है, नॉर्मल ओरिजिनल पिक्सल 4 का APK नहीं है। आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ 2 APK का, और दोस्तों मॉडिफाई APK आपको मिलेगा, पर कोई भी ओरिजिनल पिक्सल 4 का APK आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि जो ओरिजिनल पिक्सल 4 का APK है उसको यूज करने के लिए आपको मैजिक्स के मैनेजर को जरूरत होगी। मैजिक्स के मैनेजर को इंस्टॉल करने के लिए आपके फोन के ऊपर रूट चाहिए। सो रूट अगर आप नहीं करना चाहते हो, अगर आप मैजिक्स के मैनेजर को इंस्टॉल नहीं करना चाहते हो, सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा मॉडिफाई GCam का उसको इंस्टॉल करो। उसके बाद आपके फोन के ऊपर विथ हेल्पिंग ऑफ कैमरा 2 APK आराम से चल जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। सो ये छोटा सा वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर से बताना। अगर आप इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बेल आइकन को जरूर से दबाइए, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। सो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, उस लिंक से डाउनलोड करो। किस तरह से लिंक से डाउनलोड करते हैं इसलिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो। एग्जाम्पल वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।